इधर इधर गाड़ी के इधर आ जाओ। हाँ इसे विजुअल अच्छा है। ये के सामने आ जाओ। इधर इधर इधर। हाँ रोड पे मत जाओ। हाँ इधर देख लो भैया जी, यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पर इधर क्या चल रहा है? सबसे रुके आप मैंने वो बात में सुनते ले रहो गाड़ी से दूर रहो गर्म रहेगी। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एलवी जीता है। और मैंने बोला भी था चेन ना ब्रेक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पता है कुछ लोगों की गलतफहमियां होती है कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, तो कम से कम अब नेक्स्ट सीजन में लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री से डरेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वाइल्ड कार्ड जीत सकता है। और मैंने ये भी बोला था कि इंडियन भी जीतना चाहिए, वो ब्रेक हो जाए। गलत फहमी दूर करना भी बहुत जरूरी था कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतना, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी लोग वाइल्ड कार्ड से डर के रहेंगे, कहीं ना कहीं अभिषेक भी जीतने वाला था ऐसा लोगों का कहना था। चलो मनीषा हंसाया था लोगों को, मनीषा नहीं जीत पाई जिस तरह से, क्या कहना चाहोगे, मतलब जो हंसाता है सब कुछ करता है वो नहीं जीत पाते। नहीं बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक दिन ऐसा भी आए, ऐसी भी चैन ब्रेक हो कि किसी दिन बिग बॉस में कॉमेडियन जीते, तो उस दिन दूसरी चैन ब्रेक होगी और वो भी जल्दी होगी। अभी एलविश ने एक चैन ब्रेक की है, तो मे भी तीसरा कोई आएगा तो वो तीसरी चैन ब्रेक करेगा। वेट करते हैं, वॉच करते हैं, बट कहीं ना कहीं लेकिन मतलब अभिषेक पे दिल लगा था और चीज एलविश गया क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। और बिग बॉस में क्या है कि वोट का ज्यादा होता है, तो जिसकी ज्यादा वोट वही जीतता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को बिग बॉस 17 मिल गया। वाओ अभिषेक कांग्रेचुलेशंस एडवांस। और बस इधर से जाने दो भाई, अभी रास्ता तो दे दो जाने के लिए। रचना जी यहाँ पे इधर आ जाओ, इधर।